किसी भी आणविक संरचना या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में एलिमेंट्स ही जिम्मेदार होते हैं जो आणविक संरचना तैयार करते हैं। इसी आणविक संरचना से दोस्तों आज हम ऑक्टेट रूल या अष्टक नियम के बारे में जानेंगे। यह नियम दोस्तों अष्टक नियम या ऑक्टेट रूल अक्रिय गैसों पर आधारित है। यहाँ पर दोस्तों हम हीलियम को छोड़ देते हैं क्योंकि हीलियम में दो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। हीलियम को छोड़कर दोस्तों अन्य सभी अक्रिय गैसों के बृहत्तम कक्षीय आउटर ऑर्बिटल में आठ आठ इलेक्ट्रॉन हैं, जैसे नियॉन, आर्गन और क्रिप्टॉन और ज़ेनॉन और रेडॉन। इन सभी के बृहत्तम कक्ष में आठ आठ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये बहुत ही अक्रिय और स्थायी होते हैं। ये अक्रिय गैस किसी भी प्रकार के रासायनिक बंध नहीं बनाते। ये अक्रिय गैस के आउटर ऑर्बिटल वाले स्ट्रक्चर को देखें दोस्तों, इनके बाहरी कक्षीय आउटर ऑर्बिटल में आठ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये आठ इलेक्ट्रॉन ही दोस्तों इनको अक्रिय और स्थायी बनाता है, जिसके कारण यह रासायनिक बंध में भाग नहीं लेते। इन अक्रिय गैसों के स्थायित्व या स्टेबिलिटी या अक्रिय के कारण दोस्तों 1916 में दोस्तों लुइस एंड कोसेल ने एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट कहते हैं। इस नियम के अनुसार दोस्तों कोई भी परमाणु अणु निर्माण के द्वारा एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके अथवा ग्रहण करके अथवा सहभाजन करके आपस में स्थायित्व प्राप्त करने के लिए आठ इलेक्ट्रॉन की स्थायित्व प्राप्त करने की प्रवृत्ति रखता है। इस नियम के अनुसार दोस्तों पहले रूल के मुताबिक कोई भी परमाणु द्वारा अणु निर्माण करते समय उसमें उपस्थित बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। जैसे दोस्तों यदि बाहरी कक्ष में दो इलेक्ट्रॉन हो तो वह उसकी संयोजकता दो होगी, वहीं चार होगी तो चार और छः होगी तो उसकी संयोजकता छः होगी। वहीं दोस्तों यदि परमाणु के बृहत्तम कक्ष में आठ इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसकी संयोजकता भी आठ होगी। यह इस पर निर्भर करता है। इस नियम के दूसरे रूल के मुताबिक दोस्तों अक्रिय गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबसे ज़्यादा स्थायी होता है। ये किसी भी प्रकार के रासायनिक बंध में भाग नहीं लेते। नियम के मुताबिक दोस्तों तीसरे नियम के अनुसार परमाणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर ग्रहण कर अथवा सहभाजन कर निकटतम अपने अक्रिय गैसों के समान स्थायित्व प्राप्त करने की प्रवृत्ति के कारण परमाणुओं द्वारा रासायनिक संयोग का निर्माण करते हैं और रासायनिक बंध में भाग लेते हैं। प्रकार दोस्तों आठ इलेक्ट्रॉन की प्रवृत्ति होने पर अक्रिय गैसों का समान स्थायित्व प्राप्त होता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।